नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। जितनी भी जो 80 प्रकार के जो वात रोग है और वात रोग में भी जो वायु प्रधान वात रोग, फिर वात रोग तो वायु से ही बंद होता है, लेकिन आज जो मैं आपको यहां फार्मूला जो देने जा रहा हूं जिसका नाम है रसौन पिंड, आपने जरूर सुने होंगे रसौन पिंड। तो ये रसौन पिंड 80 प्रकार के वात रोगों को निर्मूल करने के साथ साथ जो पित्त दोष वायु वाले स्थान में जाकर के स्थित हो गया, यानी वायु के साथ साथ कुछ कुछ पित्त के विकारों को भी ये नष्ट करने में सामर्थ्य रखता है। और ये जो दवाई बनाने में भी बहुत आसान है, कोई भी इस दवाई को बना सकता है, बशर्ते आपके यहाँ पर इसके लिए जो मुख्य चाहिए उसका नाम है सफ़ेद पेठा। हाँ जी दोस्तों, पका हुआ सफ़ेद पेठा आपको चाहिए। तो इस पेठे को आपने करना क्या है कि समथिंग ले लो कि 5 शेर वजन का एक बड़ा सा पेठा ले लो, और पेठे के जो डंठा वाला जो भाग है उसको नीचे से काट के, थोड़ा सा उसके नीचे से फल वाले भाग से थोड़ा काट के उसके जैसे ढक्कन जैसा बना लो। और ढक्कन जैसा उसको बना करके आपने क्या करना है कि समथिंग 400 ग्राम तक आपने शुद्ध और बहुत अच्छा लहसुन लेके आना और उसको छील लेना। पहले तो उसके छिलका को निकाल लो, और निकालने के बाद और यदि आप अच्छा इसमें कुछ करना चाहोगे तो उस छिलका को उतारने के बाद दही में 24 घंटे तक 400 ग्राम इस लहसुन को डुबो के रख देना, ताकि जब दवाई निर्माण होगा तो बाद में सेवन करते हुए आपको लहसुन का जो स्मेल है वो आपको महसूस नहीं होगा। तो आपने क्या करना, दही में इसको 24 घंटे तक डुबो के निकाल करके अब आपने बीच से उसको काटना है। लहसुन के बीच से जब काटेंगे तो लहसुन के सेंटर में आँख होता है, लहसुन का एक छोटा सा गांठ होता है या उसको आँख होता है लंबा सा, उसको चाकू से या उसको नाखून से निकाल के कुरतते जाओ और साइड में करते जाओ। तो सभी लहसुन को इसी तरह से आँख को अंदर से निकाल के फेंकते जाइए और साफ करते जाइए। अब आप क्या करेंगे, वो जो पेठा जिसको ऊपर जो डंडा वाला भाग है उसके नीचे से उसको काट करके, जैसे हमने ढक्कन सा उसको बना करके उस डंडे से निकाल के उसको निकाल के डंडा वाला जो ढक्कन है जैसा बना लो और उसको साइड करो। अब आप क्या करेंगे कि उसके अंदर आपने जो गुठली है आराम से गुठली को जितना हो सके गुठली निकालो, बाकी चीज़ें निकालना नहीं है, काट करके उसके गुठली को बाहर निकालो। और ये 400 ग्राम इस लहसुन को आपने उसके अंदर बढ़िया सा दबा दबा करके उसको भर दो। भरने के बाद ऊपर से उस ढक्कन को लगा दो जो अभी आपने उसके ऊपर के जो डंडे वाला जो भाग है उसको काटे थे, थोड़ा ज़्यादा भाग में काट लेना ताकि अच्छी तरह से अंदर के बीज निकालने में आपका हाथ अंदर चले जाए। और इस 400 ग्राम शुद्ध किया हुआ लहसुन जो है अंदर डाला जा सके। उसके बाद सबसे पहले लोहे के तार से उसको चारों ओर बांध देना ताकि वो ढक्कन वहाँ से खुले ना, फिर ऊपर से एक बढ़िया सा चिकना मिट्टी जो है ऊपर लगा के कपड़ मिट्टी पहले, फिर कपड़े से उसको बांध देना, फिर मिट्टी लगा लो, ऐसे करके 5 तह लगा लेना कपड़े से। सफ़ेद वाला मलमल का कपड़े ले आइए, पहले मिट्टी से उस चारों ओर उसके उस पेठे के चारों ओर मिट्टी लगा लो मोटे मोटे से, उसके ऊपर से कपड़े लपट लो फिर मोटा, ऐसे करके बहुत अच्छा मिट्टी का एक 5 तह लगा लो। फिर आपने अब क्या करना है कि उस मिट्टी द्वारा कपड़ मिट्टी किया हुआ उस पेठे को गोबर की अग्नि में पुट पाक रीति से उसको पकाना है, यानी कि एक छोटा सा गड्ढा खोद लो, उसमें नीचे से ऊपर तक गोबर भर दो, गोबर का जो पाथी होता है जिसको पाथी बोलते हैं ना हम लोग, जिससे हमारी माताएं अपने रसोई घर में रोटी बनाने का काम करती है, तो नीचे से पहले थोड़ा सा पाथी को भर लो और बीच में इसी पेठे के जो अभी आपने कपड़े मिट्टी करके थोड़ा सा धूप में सुखा लिया था, सूखने के बाद फिर करना है तो बीच में रख के ऊपर से फिर आपने इस पाथी को रख करके आपने क्या करना, आग लगा देना, 24 घंटे तक अंदर पड़े रहने दो, या यूं लगा लो कि आग लगा दो, उसके बाद देखो मिट्टी पूरा लाल जब हो जाएगा, आपको लगे कि भाई ये पक गया होगा अब, तो उसको वहाँ अग्नि से निकाल करके उसे बाहर रखे, ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद आपने क्या करना,
कि मिट्टी को आराम से हटाओ जब ठंडा होगा तो उसके बाद जो आपने पहले लोहे के जो तार है उससे जो बांधे थे अच्छी तरह से साफ करके उसको निकालिए, बाहर करिए। अब आपने क्या करना है, किसी सिलबट्टे में या किसी भी चीज़ में अंदर के उसको कूट लेना और अंदर के पूरा जो बीज है उस बीज को निकाल के बाहर फेंक देना, अच्छी तरह से कूट लो। कूटने के बाद ये सारा जो है आपके पेठे और लहसुन दोनों को मिला करके कूट देना, लेकिन कूटते हुए ये ध्यान देना कि पेठे के बीज उसमें ना आए। अच्छी तरह से आपने उसको कूट करके कल्क बना लिया। अब क्या है कि एक पित्तल का कढ़ाई ले लो, कलई किया हुआ कलई दाई जो है पित्तल का एक कढ़ाई ले लो। उस कढ़ाई में आपने 40 तोला आपने इसमें तिल का तेल डालना है। 40 तोला तिल का तेल डाल के गरम कर लो पहले। और ये जो कल्क जो अभी आपने बनाया है अलग पात्र में अलग से पड़ा हुआ है, उस तेल के ऊपर 10 ग्राम आपने हींग डालना है छोंक देने के लिए। दालचीनी, जीरा, राई और लौंग ये आपने 20-20 ग्राम डालना है, ठीक है। अच्छी तरह से वो काला जब हो जाएगा, दालचीनी, जीरा, राई और लौंग थोड़ा पीस करके डाल देना, हींग भी थोड़ा सा पीस के डाल देना तेल के ऊपर। जब ये लाल हो जाएगा, जब थोड़ा सा चट-चट जैसे आवाज करने लगे राई लौंग वगैरह, तो ऊपर से आप क्या करेंगे, वही जो अभी आपने कल्क जो तैयार किया था उसको ऊपर से डाल देना। अच्छी तरह से इसको क्या करना, आपने इसको मिला लेना। पक गया जी, अभी आपका तैयार हो गया, ठीक है। जब ये इसको जब पक जाता है, पकने के बाद आपने क्या करना, जब ये बाहर निकाल लो आग से कढ़ाई को, और जब शीतल हो जाता है ये कढ़ाई, कल्क जो आपका शीतल हो गया, तो वहां पर पहले से सौंठ, काली मिर्च, पिप्पल, अकरकरा, दालचीनी, तेज पत्ता, काला जीरा, अजवाइन, पिप्पल मूल यानी पिपला मूल, धनिया का पंचांग और जीरा का पाउडर, ये जो 11 जो औषधियां है इनको अलग अलग पीस के कपड़ छान करके 11 एक एक तोला इसको तौल करके, यानी 10-10 ग्राम इन सबको तौल के एक जगह मिक्स करके इसको वहाँ डालेंगे। और उसके साथ में आपने 5 तोला यानी 50 ग्राम तक सेंधा नमक भी अलग सा आप उसमें डाल करके इसको अच्छी तरह से घोट लेना। तैयार हो गया अब ये आपका बेहतरीन दवाई। से आप किसी एक अच्छे साफ सुथरा डिब्बे में इसको बना करके इसको रख ले। इसका जो सेवन करने का जो तरीका है वो 6 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम तक, 6 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक रोगी की उम्र, उसकी स्वभाव, उसकी जो प्रकृति है, ये सभी शरीर की जो बनावट है वो सबको देख करके अंदाजन, अगर छोटा बच्चा है तो 6 ग्राम तक, छोटा बच्चा मतलब लगा लो 5 साल से ऊपर का है तो 6 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम तक अधिक उम्र वालों के लिए। तो ऐसे करके इसको खिला के ऊपर से वायविडंग या एरंड मूल का क्वाथ अगर ऊपर से पिलाया जाए तो यकीनन ये आपके द्वारा ही अपने घर में तैयार किया गया यह जो दवाई है 80 प्रकार के वात रोग में बहुत अच्छा काम करता है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई वात रोग क्या क्या है, जैसे सर्वांग वात हो गया, अर्धांग वात हो गया, अर्दित हो गया, आपके मिर्गी हो गया, उन्माद यानी पागलपन हो गया, हाँ जी गृद्रश्री हो गया यानी कि साइटिका, कटी वात हो गया, आपके उदर वात हो गया, हाँ पेट के अंदर कीड़ा होना, ये सभी जो समस्याएं हैं उसमें ये दवाई बेहद अच्छा काम करता है। विशेष करके बहुत सारे ऐसे एपिलेप्सी की जो मेडिसिन है उसको रसोन पिंड के साथ इस्तेमाल करने का या प्रयोग करने के लिए बताया जाता है, चाहे वो कुछ भी दवाई हो, जैसे चतुर्मुख रस हो गया, चतुर्भुज रस हो गया, ब्रह्म रसायन हो गया, ये सभी दवाई आयुर्वेद ने रसोन पिंड के साथ लेने का, वात कुलांतक रस हो गया, और भी ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जिसे रसोन पिंड के साथ इस्तेमाल करने की बातें की गई है।
तो दोस्तों विशेष करके जो हमारे पेशेंट जो मिर्गी रोग से ग्रसित है और जो अभी मेरे से जो दवाई नहीं ले सकते, और जिनके आसपास में जिनके घर के नज़दीक में जैसे यूपी के कुछ एरिया, बिहार में, राजस्थान, पता नहीं जहाँ जहाँ पर भी पेठा मिलता होगा सफ़ेद वाला, तो उनके लिए तो ये दवाई बनाने में बहुत आसान। इस दवाई में जो हमारे जो अगर न मिलने वाला, बस अगर पेठा नहीं मिलता तो फिर तो दवाई बनेगा नहीं, अगर पेठा मिल जाता है तो ज़रूर आपको एक बार इस दवाई का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने हाथ से इस दवाई को बना के अपने रोगी को आप दे देना, विशेष करके जो मिर्गी के जो रोगी है, हिस्टीरिया और पागलपन, क्योंकि ये तीन रोग ऐसा है दोस्तों, इसमें वायु और पित्त ये प्रधान होते, ठीक है, वायु और पित्त प्रधान रोग है ये मिर्गी, हिस्टीरिया, पागलपन, ये सारा। इस दवाई का सबसे अच्छा फायदा ये भी है कि जिन आदमी के ब्लड सर्कुलेशन अनियमित रूप से बनता है, जैसे किसी किसी के जो मिर्गी में सिर की ओर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ता है, किसी किसी को 3-4 महीने में एक बार मिर्गी का दौरा आता है तो देखा गया है कि उनके शरीर में कुछ अनावश्यक जहर निर्माण होता है, इंस्टेंटली अनावश्यक जहर शारीरिक जो रस शरीर के अंदर अनवरत रूप से कुछ जो रसायन है उसका निर्माण होता है, विविध प्रकार के जो विटामिन्स है उनका निर्माण होता है। तो जब ये निर्माण अवस्था में हमारा शरीर जब होता है तो उस वक्त इन पदार्थों के स्पर्श से शरीर के अंदर कुछ रक्त, कुछ रस, जो सप्त धातु में से कुछ जो हिस्सा है वो इनके स्पर्श में आ जाते हैं और वो जहरीला बन जाता है। जिनको समथिंग लगा लो कि 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद जिनको दौरा आता है, वो अक्सर देखा गया है कि उनके शरीर में जो मुंह से जो झाग निकलता है ना, आप देखना कि जो झाग है वो किसी छोटे लगा लो कि जो कोमल दूध के घास के ऊपर, उस झाग को जो आपके मुंह से, जो रोगी के मुंह से निकला, उसको ले जा करके उसमें डाल दो, कुछ देर में देखोगे वो जो पत्ता या तो काला पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा, उस मुरझा जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वो जो झाग है उसमें जहर होता है, जो वो जहर शरीर के अंदर है ना नेचुरल तरीका से बनता है, और वही जहर बाहर निकालने के प्रोसेस में शरीर में इस तरह के बेहोशी होना या दौरा आना ऐसा होता है। तो ये जो रसोन पिंड है वहां पर इस तरह से बनने वाले जो जहर शरीर के अंदर जो बनता है उसको अंदर ही डिस्टोर करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों रसोन पिंड का निर्माण करें और अपने घर में किसी भी प्रकार के मिर्गी रोग और उसके साथ साथ जो 80 प्रकार के जो वात रोग है उसमें रसोन पिंड का प्रयोग करें। ये दवाई कोई भी कफ वालों के लिए नहीं देना, बाकी वायु और पित्त रोगियों के लिए अच्छा काम करता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो एपिलेप्सी रोगियों के लिए विशेष करके मैंने बनाया है, तो आपको कैसा लगा? रसोन पिंड आप जरूर बना लेना। ये कैसा लगा वाला जो शब्द है, जब आप इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे खुद अपने हाथ से बना के, किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड ना रह करके अपने हाथ से इसको तैयार करिए। थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब बनाओगे तो आपका रोगी पूरा ठीक होकर के ही ये दवाई छोड़ेगा। तो जब तैयार होगा, जब बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये दवाई कितना इफेक्टेड है। बनाइए, रोगी को दीजिए, उसके 2 महीने के बाद जरूर कमेंट करके मुझे बताना। आपके हाथ से उत्तम प्रकार के कमेंट ही मुझे मिलेगा, इतना मुझे यकीन है। तो दोस्तों आज मुझे दे दीजिए विदा। जय श्री राम।